दोस्तों, कई लोग पूछते हैं कि डॉक्टर साहब, ये बत्ती वाले पेन से क्या लिखते हो? तो मैं ये बताने जा रहा हूँ, ये एक टेक्नोलॉजी होती है, इसको ड्रॉक्स पर बोलते हैं। इसमें क्या होता है दोस्तों, इस कागज़ पे मैं अगर इस पेन से लिखता हूँ तो इसमें एक ब्लू मतलब स्कैनर होता है, ये बिजली से चलता है, मतलब इसमें बैटरी होती है, वो इस कागज़ पे जो भी लिखा हुआ है उसको स्कैन कर लेता है। स्कैन करके ये डाटा अपन मोबाइल में ब्लूटूथ से ट्रांसफ़र हो जाते हैं और फिर आगे स्टोर में चले जाते हैं। तो इससे अपन कभी भी ये जो पर्ची है वो फिर भविष्य में देख सकते हैं, किसको देखा, क्या दवाई लिखी, क्या इंस्ट्रक्शन लिखे, वो सारे अपने पास इसमें सेव हो जाते हैं। इस टेक्नोलॉजी को डॉक्स पर बोलते हैं। और ये इसमें जो अपन ने मोबाइल नंबर लिखे हैं उस पे पेशेंट के पास मैसेज जाता है, उसके पास एक लिंक जाता है जिससे वो अपनी पर्ची दूसरी घर पे इस पर्ची को खोल सकता है। दूसरा, ऐसे ही दूसरी एक कंपनी है डोकोन, उसमें भी दोस्तों ऐसे ही होता है, उसमें आईपैड पे लिखना होता है। इस आईपैड पे जो भी लिखूंगा वो कंप्यूटर पे सेव हो जाएगा, मरीज को जो भी इंस्ट्रक्शन देने हैं वो सारे दे देंगे और फिर वो पर्ची अपने पास सेव रहती है। अगर डॉक्टर साहब बाहर जा रहे हैं तो इससे मैसेज भी छोड़ सकते हैं कि इतनी तारीख से इतनी तारीख नहीं मिलेंगे। तो ये डॉक्स पर और डोकोन एक पर्ची डॉक्टर लिखने की एक टेक्नोलॉजी है जो अपने काम में आती है। दोस्तों, कई लोगों को ऐसे लगता है बच्चों में नस नहीं मिलती, तो उसके लिए एक वेन व्यूअर आती है, कोल्ड लाइट आती है, जो अमेजोन पे 1,000-1,500 रुपये में मिल जाती है। और ये ऐसी अच्छी तरह देख, इससे वेन दिख जाती है और छोटे बच्चों में कैनूला लगाने में बहुत ही हेल्पफुल रहती है, अपन कैनूला लगा सकते हैं। एक मैं ये बताऊंगा कि जो फिजिशियन लोग हैं उनको सबको अपने पास ऑटोस्कोप रखना चाहिए। दोस्तों, ऑटोस्कोप हर एक पेशेंट जो छोटा बच्चा जुकाम लेके आया उसकी ऑटोस्कोपी करने से एक्यूट ओटाइटिस मीडिया या ऑटोमाइकोसिस, ये सारे डायग्नोसिस अपन ऑटोस्कोप से तुरंत बना सकते हैं। दोस्तों, कई बार बच्चा नाक में चना मूंगफली सुपारी फंसा के आता है, माँ को भी मालूम नहीं रहता। तो उस समय अपन अगर हाई इंडेक्स ऑफ सस्पिशियस है, मतलब अपने को देखा कि एक ही नाक से पानी आ रहा है, एक ही नाक से सांस ले पा रहा है, तो अपन इस यूस्टेकियन कैथेटर से उसके फॉरेन बॉडी के पीछे जाके और तुरंत निकाल सकते हैं। कई बार बच्चा कान में फंसा लेता है या वेक्स होता है, तो जॉब्सन हॉर्न प्रोब से अपन निकाल सकते हैं, या फिर बराबर प्रेशर डाल के सिरिंज करके, एक सिरिंज में पानी भर के, उससे भी कान की फॉरेन बॉडी को निकाला जा सकता है। दोस्तों, कल एक बच्चा आया था जो इसके यहाँ इसोफेगस में एक सिक्का फंस गया था, तो उसमें ये फॉलीज कैथेटर डाल के और थोड़ा सा आगे से फुला के खींचा तो सिक्का बाहर निकल गया। एक बार मैं 2011 में श्याम जी के मेले में गया था, वहाँ स्टाफ ने एक देखा, मैंने एक स्टाफ को कि नाक में एक जो था अपना बटन फंसा के आया बच्चा, तो दूसरी नाक से उसने पानी की हाई प्रेशर से डाला और वो नाक से बटन निकल गया। जैसे अपनी जलनेति करते हैं ना, ऐसे ही उसने एनएस की बोतल खोली और उससे एक से डाला तो दूसरी से वो बाहर आ गया। तो इस तरह से दोस्तों, ये कुछ इंस्ट्रूमेंट हैं या ये कुछ बातें हैं जो फील्ड की प्रैक्टिस में होती हैं। धन्यवाद।